प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत अहमदनगर जिले में शिरडी से करेंगे, जहां पीएम श्री साई बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। पीएम मोदी साई मंदिर में नए दर्शन पंक्ति भवन का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी शिरडी में स्वास्थ्य, रेल, सड़क तथा तेल और गैस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को महाराष्ट्र को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत अहमदनगर जिले में शिरडी से करेंगे। वहां पीएम मोदी श्री साई बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। पीएम मोदी साई मंदिर में नए दर्शन पंक्ति भवन का शुभारंभ भी करेंगे। ये नया दर्शन पंक्ति भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है। इस भवन की आधारशिला अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। अभी हमारा जो ओल्ड क्यू कॉम्प्लेक्स है उसमें लगभग 6,000 लोगों का हम होल्डिंग कैपेसिटी है और उधर सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। उधर खड़े रह के उधर क्यू कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ते और जब गर्दी दिवस में है ना, हमको इवन बाहर रोड में भी शेड में उसको खड़े करना पड़ता है। लोगों को, साई भक्तों को बहुत तकलीफ होता था, इसलिए हमने संस्थान का ट्रस्ट बोर्ड ने ये निर्णय लिया अच्छा से उसको वेटिंग हॉल करके एक क्यू कॉम्प्लेक्स बांधने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उधर हम वेटिंग करने का अच्छा से उसको एक्सपीरियंस बाबा का दर्शन का एक्सपीरियंस देने के लिए नया क्यू कॉम्प्लेक्स की वजह से मिल पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी निलवंडे बांध का जल पूजन भी करेंगे। पीएम इसके बाएं किनारे के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। निलवंडे बांध के पानी से 7 तहसीलों के 182 गांव को लाभ होगा। इसे करीब 5,177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। ये एक ऐसा बांध है जो पिछले 40 सालों से इसका काम चल रहा था और इससे जुड़े हुए करीबन 100 से करीब गांव हैं जिन किसानों ने आज तक कभी पानी देखा नहीं है। आज आई हुई राज्य में सरकार और केंद्र सरकार की मदद से इस बांध का काम अब पूरा हुआ है और अब इन सब किसानों के लिए पानी उपलब्ध किया जाएगा, तो उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उस डैम के ऊपर जाके होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ भी करेंगे, जिससे 86 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में होंगे और खासतौर से शिरडी में होंगे तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को काफी इंतजार रहता है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने और सुनने का बल्कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मिलने का भी। अपने सहयोगी निश्चल श्रीवास्तव और कैमरामैन शारदा रंजन के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज शिरडी। और अब बात ताजा खबर की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ईडी कल पूछताछ करेगी। आज इस बारे में ईडी ने उन्हें समन भेजा है। बताया जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी FEMA केस के समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बारे में खुद अशोक गहलोत ने